तो भाई एक तो बात ये है, हमारे पास दिन ऑफ कोर्स कम है और कुछ बच्चों को साथ, मेरे एक दो बच्चों के साथ कल बात हुई, ज्यादा के साथ नहीं हुई, तो उनका कहना ये था कि भाई दिन कम है चैप्टर ज्यादा। बच्चे आजकल मेरे से कह रहे हैं कि भाई दिन कम है और चैप्टर ज्यादा है। बात बिल्कुल सच है, दिन कम है चैप्टर ज्यादा है, लेकिन नजरिए की बात है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स बहुत कम है और घंटे बहुत ज्यादा हैं। आवर्स तो बहुत ज्यादा है ना, एक दिन में 24 आवर्स हैं आपके पास, उसमें से 5 घंटे आप सो लो, 5 घंटे सोना है, 6 घंटे सो लो यार, 5 घंटे 6 घंटे टोटल आपके पास 18-19 घंटे तब भी बचते हैं, 18-19 घंटे आपके पास तब भी बचते हैं। तो अब आपको करना क्या है यार? अब हाँ, आप चैप्टर्स को पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, यू आर रिवाइजिंग दैट। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। पहली बार कोई चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप 2-3 घंटे में नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा टाइम चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि यू आर रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स, आपने पहले ये किए हुए हैं, ठीक है? तो रिवाइज करना कैसे है, थोड़ा सा आपको वो बताने वाला हूं कि आप थोड़ा टाइम को एफिशिएंटली निकाल पाए। पहली दो तीन चीजें हैं यार, हमारा जो है को एग्जाम बैटल है, हमने बैटल लड़ने जाना है एग्जाम में, और इसलिए हमें एक सोल्जर की तरह प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन लाइफ लेनी पड़ेगी। तो आज से हमारे पास लगभग 15 दिन है, तो आपको ये 15 दिन डिसिप्लिन लाइफ बितानी पड़ेगी एज अ सोल्जर। अब डिसिप्लिन का मेरा मतलब क्या है, मतलब आपको प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करना है। आप 10 मिनट भी कोई ऐसा काम करने वाले हैं पढ़ाई के अलावा, तो दो बार सोचिए कि भाई वो जरूरी है या नहीं, क्या वो पोस्टपोन नहीं हो सकता, एग्जाम के बाद नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो ना कीजिए यार। आपको समझनी पड़ेगी सिचुएशन, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा उसको लेके, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है? कोई भी टाइम, कोई भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा काम है जो बाद में हो सकता है आफ्टर एग्जाम, तो आफ्टर एग्जाम करेंगे ना, अभी क्या जरूरत है। प्रॉपर टाइम को एफिशिएंटली निकालिए फर्स्ट थिंग। और निकालने के लिए बड़ी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, मोबाइल, टीवी, या जो भी आप करते हैं, सोना, इन सभी से थोड़ी दोस्ती कम करनी पड़ेगी, इनको थोड़े दिनों के लिए दूर रखना पड़ेगा, ठीक है? बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि मैंने आपको किसी का भी कैमरा ऑन करवा लेना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई मुझे बेड पे देखा तो उसको मैंने रिमूव कर देना है। बेड पे बैठ के पढ़ाई कभी नहीं होती, आपको चेयर टेबल पे बैठना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज को समझ लो पहले, ठीक है? तो टाइम निकाल लिया, हमारे पास अभी टाइम भी है, लेकिन रिवाइज कैसे करें? तो रिवाइज करने के लिए ना आपको आपने किसी ना किसी ने, आपके फ्रेंड या कोई टीचर या कोई नॉन में ऐसा पर्सन रहा होगा जिससे जब आप क्वेश्चन पूछते थे ना, मे बी स्कूल टाइम पर रहा हो, मे बी आपने कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा पक्का रहा होगा जिससे जब क्वेश्चन पूछते थे तो वो आपको सॉल्व करके नहीं देता था, आपको कहता था कि भाई वो एक फार्मूला होता है ना, एफ एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, उसमें ए जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके आ जाता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके आ जाता है, या उस ग्राफ की स्लोप होता है। तो वो थॉट प्रोसेस, वो थॉट से ही आपको बता देता कि बस ऐसे 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 कर लेना हो जाएगा, तो आपको वैसा बनना है। आप मतलब आपको हर क्वेश्चन या हर थ्योरी अब पेन पेपर पे लिख के नहीं होगा, टाइम कम है, रिवाइज कर रहे हो आप, हर एक चीज को पेन पेपर पे लिख के देखोगे तो बात नहीं बनेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, मेंटल रिविजन बोलते हैं इसको। बहुत कम लोग करते हैं ये, लेकिन जो करते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मेंटल रिविजन बोलते हैं। इससे आप एक एक बार क्या, दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लोगे, दो दो तीन तीन बार। इवन मैं जब आजकल रिवाइज करवा रहा हूँ तो भी एक तरीके से मेंटल रिविजन ही चल रही है, इन डेप्थ में हम नहीं जा पाते, आपको बता देते हैं कि भाई ऐसे बना था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, ठीक है? तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बार बार कि थ्योरी के लिए ना, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब आपने अब रिवाइज करने से पहले जो चैप्टर जहां से भी पढ़ा है, लाइक वो दैट कैन बी एन एनसीईआरटी, दैट कैन बी एनी पब्लिशर बुक, कोई भी बुक हो सकती है, या इवन मेरे नोट्स हो सकते हैं, जहां से आपने पहले पढ़ा, ठीक है? जहां से आप फर्स्ट, अगर आप उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर उस चैप्टर को आप पहले पढ़ चुके हैं, यू आर रिवाइजिंग दैट, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो जहां से भी आपने पहले पढ़ा है, चाहे वो कोई बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो कोई रेफरेंस है, चाहे वो मेरे नोट्स है, चाहे किसी के भी नोट्स हैं यार, इट डजेंट मैटर, रिवाइज उसी से कीजिए। उसका फायदा ये है, आपको पता है कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ना लेफ्ट वाले पेज पे है, आपको मेंटल पिक्चर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो राइट साइड के अपर पेज पे है, आपको पहले से पता है, तो टाइम कम लगेगा उसमें। आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई लॉ ऑफ कंजर्व, आप हेडिंग पढ़िए और पहली दो लाइन पढ़ लीजिए, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आपने लाइन पढ़ी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, आपके माइंड में अपने आप स्ट्रक कर गया कि भाई इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट देन टोटल लीनियर मोमेंटम, आप पढ़ नहीं रहे,
का ब्रेन चल रहा है कि भाई टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, आपके माइंड में चल रहा है, तो ठीक है ना, वो टॉपिक हो गया, उसका एक आधा क्वेश्चन वहां पर नीचे दिया है, कोई एग्जाम्पल प्रॉब्लम है या कोई कोई भी क्वेश्चन है वो देख लो, देख देख के हो गया बस, ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते रहो, वैसे रिवाइज करना पड़ेगा। और दो गलतियां जो अक्सर बच्चे कर रहे हैं, मेरे से ध्यान से समझ लो, पहली बात, अगर आपने चैप्टर अब तक पिछले 2 साल में या 3 साल में, अगर आपका ड्रॉप ईयर नहीं है तो 2 साल में नहीं किया, कोई ना कोई चैप्टर ऐसा सभी का हो सकता है, किसी ना किसी का तो पक्का होगा, किसी ने कोई चैप्टर नहीं किया एक्स वाई जेड, किसी ने कोई नहीं किया, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो बायो का है, अगर वो चैप्टर आपने अभी तक कभी नहीं किया तो अब ही उसको इन डिटेल करने की गलती मत करना, जब कभी नहीं किया तो अब भी ठीक है यार, उसमें से आप क्या करोगे, मैं आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस देने वाला हूँ होपफुली फ्रॉम द मंडे या ट्यूसडे आई थिंक, और इवन ना हम शेड्यूल भी चेंज करने वाले हैं यार, होपफुली ट्यूसडे से हम ये जो हम कर रहे हैं हम फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करा करेंगे, मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा नेक्स्ट क्या है, तो उसमें हम एक प्रॉपर मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें हम डेली सिर्फ फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं विद कंसेप्ट करा करेंगे, लाइक पहला क्वेश्चन देखा उसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड क्वेश्चन देखा अगर आपने आंसर दे दिया सभी ने सही तो ठीक, नहीं तो मैं एक कंसेप्ट के साथ बता के निकल जाऊंगा आगे, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिक यूज होती होगी तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, 1 या 2 दिन में मैं ये शुरू करवाने वाला हूँ मॉक टेस्ट, ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस फॉर्म का आएगा, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहने से आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं होता, अगर मैं कहूं कि एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस हैं आप 100 क्वेश्चंस को 2-3 बार अटेम्प्ट कीजिए, राइट नाउ आप नहीं कर पाएंगे यार, अगर आपने वो पहले किया हुआ है और दोबारा कर रहे हो फिर तो कर पाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जो कर रहे हो वो क्वेश्चन के साथ जितने जितने क्वेश्चन होते रहेंगे ठीक है यार, अगर आपने चैप्टर पहले किए हैं आप उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आइएगा, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली प्लान कीजिएगा और ये बात कभी मत सोचिएगा, मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, दिन रात एक करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता हार्ड वर्क का, बाय प्रोडक्ट होता है हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हाँ थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो, स्मार्टली मतलब क्या, आपको रिवाइज मल्टीपल टाइम करना है, कोशिश कर रहे हैं अगर कोई चीज भूलती है ना शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर रखें हमेशा, लाइक आपको लगता है कि आपको ये फार्मूलेज बोलते हैं भाई ऑर्गेनिक की ये नेम रिएक्शंस बोलते हैं या भाई ये वाले फार्मूलेज बोलते हैं, उस फार्मूले के लिख लें, फार्मूलेज लिख लें एक पेज, आप चार एक छोटी कॉपी आती है ना वो पतली सी कॉपी होती है यार 5-10 रुपए वाली क्या बोलते हैं उसको, तो वो कॉपी ले लीजिए पतली वाली छोटी वाली, तो ईच सब्जेक्ट के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 3 कॉपीज लिख लीजिए पतली पतली जो होती है जिसमें 15-20 पेजेस ही होते हैं सिर्फ, तो उस पर आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो आपको लगता है भूल जाती हैं, आपको बार बार भूल जाती है, किसी को कुछ बोलता है किसी को कुछ बोलता है, सबका सेम नहीं होता, तो 3 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो जो चीजें भूल जाती है ना उसको बार बार वहां पर लिख लीजिए, और कोशिश करें कि डेली मॉर्निंग और इवनिंग और डेली आप उस टॉपिक को जो भी 10-10 पेज होंगे लाइक 3 सब्जेक्ट के वो बार बार पढ़े बार बार पढ़े बार बार पढ़े, 4-5 दिन ऐसा कर लो यार वो चीजें भूलनी बंद हो जाएंगी, याद होनी शुरू हो जाएंगी, और ये करना पड़ेगा। और कुछ पूछना है बताइए, ये मुझे मैसेज था यार आप लोगों तक पहुंचाना, हाँ अगर आपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे हैं तो उसकी जैसी तो भाई कोई चीज है ही नहीं, अगर आपने खुद ने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं पहले प्रिपेयर किए हैं अब प्रिपेयर किए हैं पिछले 2-3 महीनों में या जैसे भी किए हैं उसी से रिवाइज करें फिर, और तो कुछ उसके जैसी बराबर की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं अगर आपने सारे टॉपिक्स के लिखे हैं तो भाई वो दुनिया के सारे बेस्ट पब्लिशर से भी बेस्ट है, क्योंकि आपने लिखे हैं लिखते टाइम आपको याद हो चुके हैं, आपको पहले ही पता है कि भाई इस पेज पे मैंने ये लिखा था, आप पहला टाइटल पढ़ लो आपको पूरा आर्टिकल माइंड में आ जाएगा कि भाई ऐसे 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 सर, मेरे पास अभी तक मेरे नोट्स पड़े हैं पुराने लिखे हुए, उसके बाद बड़ी बार लिख चुका हूँ वैसे, और मैं आज भी मैं अपने +1-2 टाइम के नोट्स बोलता हूँ मुझे याद आ जाता है कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ ये कोई और पढ़ेगा नहीं समझ आएगा, मैंने सेंटर ऑफ मास को COM लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI लिखा, मतलब ऐसी कई चीजें लिखी हैं जो दूसरे बंदे को समझ नहीं आएंगी, तो वो आपने ऐसे लिखे हैं तो आपको वो चलता रहेगा भाई, पेपर में भी आपको याद आएगा कि भाई ये दूसरी कॉपी का पहले पेज के ऊपर ये लिखा था मैंने, प्लीज यार अभी दिन रात एक कर लेना, फालतू चीजों में टाइम मत खराब करना भाई, सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो कुछ देर के लिए कर दो लॉग आउट, आप लोग कहेंगे कि सर आप भी तो यूज करते हैं, मैं बिल्कुल करता हूँ, दिन में पूरे दिन में 10 से 15 मिनट करता हूँ हार्डली, 2-4 मिनट अगर मैं दिन में 4-3 बार देख के वो इट इज अ पार्ट ऑफ माई वर्क एक्चुअली, तो वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई, और मैं उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल की जगह लैपटॉप पर करो, लैपटॉप पर आप स्टोरीज नहीं देखते, लैपटॉप पर आप रील्स नहीं देखते, लैपटॉप पर आगे पीछे नहीं जाते, लैपटॉप पर आप जो काम करते हैं बस वो देखते हैं पोस्ट करते हैं निकल जाते हैं, तो कोशिश करें सोशल मीडिया से दोस्तों से, और मैं नहीं कह रहा कि दोस्त बुरे होते हैं सोशल मीडिया बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए 10-15 दिन ये जो है हमारे इस पे काम पे फोकस कर लो, उसके बाद उसको छोड़ दो।
गुरप्यार अगर आपने बनाए हैं तो जरूर करें, माइंड मैप या फ्लैश कार्ड्स वगैरह। अगर किसी और के बनाए यूज कर रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। अगर आपने खुद ने माइंड मैप्स, कोई फ्लैश कार्ड्स, ये शॉ, ये ऐसे आजकल नहीं फैंसी वर्ड्स यूज करने लगे हैं, अगर आपने खुद बनाए हैं तो 100% करें। किसी और के बनाए देख के करेंगे तो उसमें पता नहीं कोई चीज कवर हो रही है कौन सी नहीं।